अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राहत सईद के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो मेरी रेसिपीज को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं डेली कुछ ना कुछ बना रही हूँ। तो आज भी मैं बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत रिफ्रेशिंग होगा, और दिखाती हूँ आपको कि मेरे पास क्या है। तो यहाँ पर है कैरियाँ। कैरियों से मैं मुरब्बा नहीं बनाऊंगी, चटनी भी नहीं बनाऊंगी। अब मैं क्या बना रही हूँ वो आपको देखना होगा, बाद में रेसिपी का नाम बताऊंगी आपको आज। तो आइए चलकर इस रेसिपी को शुरू करते हैं, आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको मेरी हर स्टेप समझ में आए और आपको पता चले कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनने वाली है। तो तवे को मैंने हल्की फ्लेम पर रख दिया है और इस पर रख रही हूँ कैरी। सब कैरी मैं तवे पर रख दूंगी और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, देखते हैं कैरी को क्या हुआ, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये कैरियों को हम जो है ना यहाँ पर सेक रहे हैं अच्छा सा। यहाँ पर कैरियों को जो है ना मुझे सिर्फ स्मोकी एक फ्लेवर देना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। और ये देखिए कैरी जो है वो नरम हो गई है, ठीक है। तो बस इस स्टेज पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और कैरियों को ठंडा होने दूंगी, और ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम कट करते हैं, इसका पल्प निकालना है। दिखा, इन सब कैरियों के मैंने छिलके उतार दिए हैं और अब ये देखें लास्ट है, इसको भी उतार रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको उतार लेंगे और इसके फिर पीसेस बना लेंगे। तो कैरी मैंने कट कर ली है और उसमें मैं अब डाल रही हूँ चीनी। तो यहाँ बन रहा है ज़बरदस्त किस्म का मैंगो स्क्वाश। तो ऐसा है कि रेसिपी अभी हम बना लेंगे और ये हम 2-3 महीने तक अगर बचा तो चल सकता है। तो यहाँ पर जो है वो कैरी को हमने अच्छा सा पहले तो स्मोक दिया, फिर उसको कट किया, और कट करने के बाद उसको हमने डाल दिया पैन में और यहाँ चीनी ऐड कर दिए। अब यहाँ पर मैं डालूँगी तकरीबन सिर्फ 1 ग्लास जो है वो पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे इसको जो है बना के रख लेना है, प्रिजर्व कर लेना है इसको बॉटल्स में। तो यहाँ पर 1 ग्लास मैंने डाल दिया है और चीनी के साथ ये पकेगा। तो यहाँ देखें व्यूवर्स, अच्छा सा कैरी गल गई है और मैंने फ्लेम को कर दिया ऑफ। और अब क्या करेंगे कि इसमें जो मैंने गुठलियाँ भी डाल दी थी ना, तो इनको भी निकाल लेंगे, ठीक है। जितना भी था इसके ऊपर गुदा वो भी हट गया है, तो सारी गुठलियों को इस तरीके से निकाल लेंगे एक एक करके। अब गुठलियाँ सारी मैंने निकाल ली हैं, अब इसमें मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो डालें फूड कलर, आप नहीं चाहें तो नहीं डालें, यही कलर रहने दें ओरिजिनल। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें वो ऑरेंज वाला शेड आए ना, तो मैं यहाँ पर फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर देते हैं, ये देखें अच्छा सा कलर हो गया। तो यहाँ मैंने डाल दिया है जूसर ब्लेंडर में और इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छा सा मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, बिल्कुल जिस तरह से बाहर से शरबत आता है और हम देखते हैं, देखें ऐसी ही कंसिस्टेंसी होती है ना, बल्कि उससे भी अच्छी है। तो ये घर में तैयार हो जाएगा और ज़बरदस्त बॉटल्स में भर के आप रख लें, मेहमान आए तो सर्व करें, खुद भी पीना है तो मज़े करें, ठीक है। अब इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी सिरका, ये देखें 2 टेबल स्पून के आसपास इसमें सिरका ऐड हो जाएगा। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, हिला लेते हैं इसको, ठीक है ना, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका शरबत बनाकर, आपको दिखाती हूँ। तो आ जाए आप सब भी, इंजॉय करें इस ज़बरदस्त से ड्रिंक को। तो यहाँ मैंने एक बॉटल ले ली है और उस बॉटल के अंदर हम इस शरबत को ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से इस बॉटल के अंदर सारा ऐड हो जाएगा। तो देखिए कितना ज़बरदस्त शरबत बन गया, घर में हमने तैयार कर लिया। और थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन साफ सुथरे तरीके से, हाइजेनिक तरीके से एक चीज़ घर में तैयार होती है तो हमें पता होता है कि इसके फायदे ही फायदे हैं, कोई फ्लेवर नहीं है और बिल्कुल ओरिजिनल है। स्क्वाश डाल दिया, इसमें डाल रहे हैं काला नमक, ब्लैक सॉल्ट,
और इसमें डालेंगे चिल वाटर। तो चीनी के साथ भी पी सकते हैं और ब्लैक सॉल्ट डाल के पिए तो भी रिफ्रेशिंग लगेगा। और इसमें थोड़े से जो हमने चंक्स रखे थे वो ऐड कर लेते हैं और इसको मिला देते हैं अच्छा सा मिक्स मिक्स मिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर ये भी बन जाएगा। तो दोनों तरीके से आप पी सकते हैं। एक और तरीका जो मैं भी दिखाने वाली हूँ आपको हालिया के साथ, वो वाला तरीका भी और ये वाला तरीका। तो जूस हमारा रेडी हो गया है। हम पहले चंक्स डाल रहे हैं इसमें। ज़रूर ज़रूर बनाइए व्यूवर्स, बहुत इन्जॉय करें घर में आप गर्मियों को। और ये देखें हम डाल रहे हैं इसमें आइस क्यूब्स। हादिया मुझे कब से कह रही थी, मामा आप कैरी का क्यों नहीं बना रही शरबत, कैरी का क्यों नहीं बना रही। मैं उनसे कह रही थी बस बेटा अभी बनाती हूँ अभी बनाती हूँ। तो आज फाइनली जो है वक्त आ गया कि मैं इनको खुश कर रही हूँ। हादिया खुश हो रही हैं आप? तो व्यूवर्स को कैसे पता चलेगा, कुछ बताएं तो सही आप इसके बारे में जी। आप मुझे कह रही थी या नहीं कह रही थी? मैं कह रही थी मम्मा से कि कैरी का शरबत बनाएं क्योंकि इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। तो आज फाइनली जो है वो मेरी फरमाइश पे रॉ मैंगो का जूस। ये देखें ज़बरदस्त, देखो हाथिया बाहर से लेने की ज़रूरत है नहीं। व्यूवर्स को बता दूँ कि बाहर से ना लें घर में बनाएं, कैरी का सीज़न है, बनाएं इंजॉय करें, खूब इंजॉय करें घर में, है ना जी। तो ये देखें इसमें हमने ऐड कर दिया और अब इसमें हम चिल वाटर डालेंगे। ये देखें तो व्यूवर्स जबरदस्त हो गया तैयार। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं, मिक्स 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 कर लेते हैं। ज़बरदस्त किस्म का मैंगो स्क्वाश रेडी है। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है, आप देख सकते हैं क्या अल्लाह ताला की शान है, क्या खूबसूरत कलर हैं, क्या खूबसूरत मज़ेदार किस्म के फल हैं जिनके जायके, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब ये तैयार हो गया है व्यूवर्स। तो इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को सजाए रखे, आपको बहुत खुशियां दे, आमीन सुमा आमीन। राहत सईद को हादिया सईद के साथ इजाजत दीजिए। देखें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।